जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर, गृह मंत्री के कर कमलों से हुआ बिंद कॉरिडोर का शिलान्यास, अष्टभुजा रोपवे का लोकार्पण, 500 करोड़ से ज्यादा बजट के परियोजनाओं पर। मिर्जापुर देश के गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार तथा जनपद में दूसरी बार रविवार 1 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ, जहां उनके कर कमलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को विंध्य कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास का अष्टभुजा कालिखो पर तैयार नवनिर्मित रोपवे का शिलान्यास किया गया। स्वर्णिम ऐतिहासिक क्षण रविवार 1 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया, विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भी आता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में आया हुआ हूँ। उन्होंने की बहुत छोटे स्तर से पोस्टर बैनर लगाने से सफर से लेकर और आज आप लोगों के बीच तक पहुंचा हूं। उन्होंने 2022 की विधानसभा में पूर्ण बहुमत से भाजपा को जिताने की लोगों से अपील की। अयोध्या पर बोलते उन्होंने कहा कि 550 सालों से रामलला का सपना साकार करने का कार्य सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया और किसी पार्टी में नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नाम निशान मिटाने का कार्य किया गया और किसी भी माफियाओं में हिम्मत नहीं है कि भाजपा के सामने खड़ी हो, क्योंकि भाजपा के लोग माफियाओं से नहीं डरते। आखिर में उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ गरीबों, यतीमों और मजलूमों को सताने का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल उनकी मदद का कार्य किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, रमाशंकर पटेल, रत्नाकर मिश्रा, सुचिस्मिता मौर्य, मनोज जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। 500 करोड़ के पार पहुंचा विंध्य कॉरिडोर का बजट। वहीं विंध्य कॉरिडोर की शिलान्यास के एक दिन पूर्व भ्रमण के दौरान औपचारिक वार्ता के दौरान नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि कॉरिडोर का बजट जो पूर्व में 3.25 लाख अरब घोषित था वह बढ़कर 5 अरब तक पहुंच चुका तथा भविष्य में और भी बढ़ोतरी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ नगर विधायक ने एक और जानकारी साझा किया जिसके अनुसार काशी से विंध्याचल होते हुए प्रयागराज तक गंगा किनारे से एक सड़क मार्ग स्वीकृत भी सुनिश्चित हो गई जो विंध्य क्षेत्र को स्पर्श करते हुए जाएगी। वहीं प्रशासन द्वारा मिर्जापुर शहर छावनी में किया गया तब्दील और सुरक्षा व्यवस्था पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर रही। नगर के हर चौराहों पर बैरिकेटिंग कर पुलिस मौजूद रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का साकार करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जनपद मिर्जापुर। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।